अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सऊदी टेक यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वालों को एक बार फिर से जो है वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी से इंडिया और इंडिया से सऊदी इंटरनेशनल फ्लाइटें जो है कब से स्टार्ट की जा रही हैं। काफ़ी सारे लोगों के यही सवाल हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों के इकामे ख़त्म हो चुके थे, छुट्टी पर आए थे और वो वापस अपने देश में फंस गए हैं, तो उन दोस्तों के लिए बहुत ही अहम अपडेट है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी कर दें ताकि आपके और भी दोस्तों को पता चल सके। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें हम दोस्तों 17 और 18, जी हाँ दोस्तों 17 और 18 डेट में जो है सऊदी से इंडिया फ्लाइटें आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, सऊदी से इंडिया ऑपरेट करेंगी। लेकिन दोस्तों, इंडिया से सऊदी के लिए कब से स्टार्ट की जा रही है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। इंडिगो ने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था आप अपनी फ्लाइट की बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, हम जो है 20 के बाद, जी हाँ दोस्तों 20 दिसंबर के बाद उन्होंने कहा है हम फ्लाइटें स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, वो झूठी अफवाह थी, तो आप किसी की बातों में आकर ना तो टिकट बुक कराएं, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे फेक वीडियो बना बना कर डाला है। किसी ने कहा है कि यार आप दुबई से आ जाएं, दुबई आकर दुबई से सऊदी आ जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। जस्ट आपके जो एजेंट होते हैं वो आपसे पैसे लेके आपके पैसे खा जाते हैं, बाद में आपसे कोई भी पूछने वाला नहीं होता। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम इंडिया को तब परमिशन देंगे 2021 में। जी हाँ दोस्तों, अभी सिर्फ सऊदी से इंडिया के लिए फ्लाइटें जा रही हैं, लेकिन इंडिया से सऊदी के लिए फ्लाइटें जो है दोस्तों वो 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट कर दी जाएंगी, नॉर्मल फ्लाइटें। तब तक दोस्तों, अगर आपके इकामे एक्सपायर हो चुके हैं तो आपने क्या करना है, अपने कफील को कॉल करनी है, कॉल करके उनको ये कहना है कि आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है और आप उसकी डेट जो है रिन्यूअल कर दें। अगर वो आपके इकामे की डेट रिन्यूअल नहीं करते तो इस सूरत में दोस्तों सऊदी गवर्नमेंट जो है 1 जनवरी से पहले पहले जो लोग भी छुट्टी पर आए थे, जी हाँ दोस्तों, जो लोग छुट्टी पर आए थे और वापस कोरोना की वजह से नहीं आ सके, तो उनके इकामे बिल्कुल फ्री में जो है एक्सटेंशन कर दिए जाएंगे और उनकी छुट्टी भी बढ़ा दी जाएगी, इकामे ऑटोमेटिक तजदीद हो जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके और कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप दोस्तों की जो है लाजमी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों, अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।